बच्चों आज हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो है आपको रोल्स थ्योरम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो आज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की ये आपकी लास्ट टॉपिक है, किसकी बेटा, डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। बाकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं आपको बता दूंगा क्या चीजें होती है, ठीक है ना। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है बेटा, ये स्टेट करता है कि कोई फंक्शन हमारा, सपोज करो y इक्वल टू fx दे रखा हुआ है, y इक्वल टू fx, तो ये बोलता है y इक्वल टू fx में कहता है कोई भी हमारा क्लोज इंटरवल a टू b हो, जैसे रूल्स होता है ना उसी का क्या ही है एप्लीकेशन, मान के चलो वही होता है हमारा। तो y इक्वल टू fx इक्वल टू इन क्लोज इंटरवल a b, पहली कंडीशन होती है कि आपकी कि fx is continuous, fx is continuous in closed interval a b। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा आपकी, कि fx is derivable in open interval a b। ये दो कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। फिर कहता है अगर ये डेरिवेबल है then exist c in open interval a b, यानी then एक आपका पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल में, कम से कम एक, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। देन फिर आपका क्या कहता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बेटा, कि f'c is equal to fb minus में fa अपान में b minus a। यही हमें प्रूव करके यहां से क्या निकालना है बेटा, c की वैल्यू निकालनी। b minus a होता है लेंथ, क्या होता है हमारी लेंथ होती है उसकी, टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ठीक है ना। f'c equal to fb minus fa अपान में b minus a, हमें क्या करना है, प्रूव करना है, नहीं वैल्यू निकालनी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे। चलो इस पे हम क्वेश्चन रिकॉर्डिंग आपको हम समझाते हैं, क्वेश्चन हमारा कैसे कैसे इसमें पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है बेटा। चलो पहला क्वेश्चन आपको लिखना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे, देखना ये हमने डेफिनेशन बता दी, हमें केवल इससे मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब है नहीं, बाकी आपको डेफिनेशन आपको क्या करनी है, समझ के लिखनी। चलो अब देखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक लिख दूं बेटा, कि वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाइज द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका कि fx is equal to root में x square minus 4 in closed interval 2 to 4, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये हमारा लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करता है कि नहीं। चलो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसमें करते क्या है ध्यान समझना, कि आपको पता है कि इसमें हमें दिखाना है कि जितने भी हमारे पॉलीनोमियल फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं हमारे, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे fx is continuous function in closed interval a b। दूसरा हमें निकालना है बेटा कि fx is derivable in open interval, अगर ये होता है तो फिर अब निकालेंगे हम f dash x कितना होगा बेटा हमारा, इसका मैंने आपको रूट x का डेरिवेटिव बताया, अगर नहीं इन बच्चों को आ रहा है हम इसका डेरिवेटिव कर भी लेते हैं, जो कितना होगा x square minus 4, root का मतलब होता है बेटा 1/2। अगर मैं इसका f dash x निकालूंगा, देखना आप लोग, अगर मैं इसका f dash x निकालूंगा
तो क्या होता है हमारा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस में 4 की पावर 1/2 माइनस में 1/2 इसको मैंने एक्स लेट कर लिया x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 x स्क्वायर माइनस 4 माइनस में 1/2 अब x स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस में 0 देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा f dash x कितना आएगा बेटा 1/2 रूट में x स्क्वायर माइनस में 4 और ऊपर हमारा कितना है 2x ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो और आपको लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम पता है क्या होती है कि हमें प्रूफ करना है f dash c equal to fb माइनस में fa अपान में b माइनस c मतलब आपको वो पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे किसी कर्व का टेंजेंट लाई करता है c is the point where tangent is lying तो यानी ये फर्स्ट हो गया हमारा चलो यहीं से निकाल लेते हैं बेटा f dash c c क्या होगा हमारा तो 2c अपान में 2 रूट में c स्क्वायर माइनस 4 देखो ये 2 से 2 हमारा क्या हुआ कैंसिल इसको 1 ना लेट करके इसको लिख लो c अपान में रूट में c स्क्वायर माइनस 4 ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो ये पहले कंडीशन हुई अब क्या निकालना है fb माइनस fa तो हमारा क्लोज इंटरवल ये है यानी अगर मैं निकालूंगा बेटा यहां पे fb तो अगर मैं fb निकालता हूं fb a की वैल्यू कितनी है 2 है ना पहले f2 निकालो क्योंकि fa निकालना है तो यहां पे 2 डालोगे कितना आएगा हमारा 0 f2 कितना है हमारा 0 क्योंकि आप डालोगे तो कितना आ जाएगा मैं सॉल्व कर देता हूं t आएगा 4 माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 यहां से निकालो बेटा fb यानी f4 ये कितना आएगा बेटा हमारे पास 16 माइनस में 4 यानी कितना आ गया हमारे पास रूट में 12 यानी f4 भी निकल गया हमारा और fa और fb दोनों निकल गए अब क्या निकालेंगे बेटा तीसरा पॉइंट fb माइनस a निकालते हैं b की वैल्यू कितनी है 4 और कितना है 2 तो 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू कितना आया 2 तो यानी हम लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम में ये वैल्यू पुट अप करेंगे अगर मैं इसको पुट अप करता हूं तो देखो हमें क्या मिलेगा यहां पे ध्यान समझना हमें ओवरऑल करके c की वैल्यू निकालनी चल भाई c की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो तो f dash c की वैल्यू कितनी आई बेटा दिस c अपान में रूट में c स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू fb माइनस fa fb की वैल्यू रूट 12 और कितना आया 6 यानी रूट 12 माइनस में 0 fb माइनस fa अपान में कितना है बेटा 2 कितना है हमारा 2 यानी हमारी जो वैल्यू आ गई c अपान में c स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू रूट 12 माइनस में 2 कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना चल भाई आगे अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा c अपान में रूट में c स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा 2√3 अपान में 2 ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल 2 से 2 क्या हो गया बेटा हमारा कैंसिल आगे करते हैं इसको बहुत ध्यान से समझना आप बहुत बड़ी चीज नहीं है बहुत सिंपल है चलो अब देखो क्या करेंगे यहां से c इज इक्वल टू मिल जाएगा √3 और यहां पे रूट में x स्क्वायर सॉरी c स्क्वायर माइनस में 4 आपको ये मिल गया c स्क्वायर माइनस में 4 क्या मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं क्या बेटा अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये c स्क्वायर ये 3 इनटू में c स्क्वायर माइनस में 4 ठीक है सॉल्व कर जाओ इसको c स्क्वायर ये 3 c स्क्वायर माइनस में 12 को इधर ले लो उसको उधर ट्रांसफर कर दो तो 3 c स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12 is equal to हमें मिल गया बेटा 3c square minus में c square equal to 2c square any doubt नहीं चलो अब यहाँ से निकालेंगे 2c square equal to कितना मिला बेटा हमें 12 तो c square की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 6 x c की वैल्यू मिल गई हमें plus minus root में 6 यानी c की वैल्यू जो मिली plus minus root 6 देखो यहाँ पे minus में root 6 it does not belongs to क्लोज इंटरवल a टू b यानी 2 टू 4 के बीच में ये बिलोंग नहीं करता यानी अगर ये बिलोंग नहीं करता इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा डिस्कॉर्ड कर सकते हैं डिस्कॉर्ड दिस वैल्यू ठीक है लेकिन रूट 6 क्या कर रहा है इसके बीच में बिलोंग कर रहा है 2 टू 4 आपको पता है रूट 6 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी दैट्स व्हाई मीन वैल्यू थ्योरम जो c की वैल्यू आएगी बेटा वो रूट 3 क्या होगी इसके बीच में लाई करेगी डन
चलो हो गया क्लियर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पे ही हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन और आप मीन वैल्यू थ्योरम का एक और कर लेते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स पहला, दूसरा क्वेश्चन है आपका ये एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ई बेस एक्स ही आपका लॉग ई बेस एक्स, किस इंटरवल में इसको हमें वेरीफाई करना है, 1 कॉमा ई वाले इंटरवल में इसको वेरीफाई करना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब आपको पता है मैंने बता रखे हैं कि आपके लॉगरिथम में फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 1 to t। दूसरा हम आपको लिखेंगे बेटा कि एफ एक्स इज डेरिवेबल। ये सब लिखना है आपको, केवल डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 1 to t। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां तक हमने लिख दिया, अब हमें निकालना है क्या फार्मूला अप्लाई करना है बेटा, एफ डैश एक्स कितना होता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारा होगा 1/x, कितना होगा तो 1/x, पर हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट एक वैल्यू हमारा c है, c इक्वल टू कितना आएगा 1/c, क्योंकि हमारी c जो वैल्यू बेटा इसके क्लोज इंटरवल में लाई करेगी। तो ठीक है, एफ डैश इक्वल टू दिस, ये मिल गया हमें। चल भाई अब निकाल लेते हैं बेटा एफ ए, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी यहाँ पे लिखेंगे एफ 1, और आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है। इसी तरह एफ बी निकाल लेते हैं, एफ बी इक्वल टू कितना है बेटा एफ ई, यानी log e बेस है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, बी माइनस ए निकाल दो बाबू, बी माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई माइनस 1, कितना हो जाएगा ई माइनस 1। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए अपान में बी माइनस ए। चलो एफ डैश सी की वैल्यू हमने कितना निकाली बेटा 1/c, बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और ई की वैल्यू कितनी है 0, यानी लिख देंगे 1 माइनस में 0, और बी माइनस ए ई माइनस 1, e minus 1. इसको अगर आप simplify करेंगे, cross multiplication कर दो, e minus 1 is equal to c, e minus 1 is equal to c, यानी हमारे c की value कितनी आ गई, e minus 1 is equal to c, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो, जो हमारा ये c आया हुआ है, ये जो c आया हुआ बेटा, c equal to e minus 1, ये किसके बीच लाई करेगा, 1 to e के बीच में लाई करेगा, 1 to e के बीच में। और आपको ये भी जानना है कि जो हमारी e की वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन 2 होती है, यानी 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है। तो अब बताओ अगर 2 से बड़ी और 3 से छोटी है, यानी 2 और 3 के बीच में से अगर हम 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में लाई करेगा, यानी ये क्या हो गया हमारा LMV, यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हुआ। LMV को भी बोलते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। डन, कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन और इसमें अच्छा सा है, उसको कर लेते हैं, मिटा रहा इसको। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब करवा रहा हूं, बाकी आपके एनसीईआरटी में जितने भी दिए हैं सारे आपके आसानी से हो जाएंगे। मैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आप उससे बेफिक्र रहो। देखो लिखोगे आप यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, यूजिंग लैग्रेंज Using Lagrange's mean value theorem, find a point, यही आपको निकाल, find a point on curve, find a point on curve, on the curve y is equal to root x minus 2, यानी ये हमारा कोई क्या है, एक पैराबोला है आपको
इस कर्व पे आपको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है पॉइंट जिस पे आपका लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो वेरीफाई हो, तो यानी y इक्वल टू रूट मैक्स माइनस 2 डिफाइंड डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल 2 to 3, आपको 2 और 3 के बीच में क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, वेयर द टेंजेंट वेयर द टेंजेंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड इज पैरेलल टू द कॉर्ड इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व। तो हमें मतलब किससे बेटा, ये जो हमारा ऑन द कर्व होगा यहाँ पे, ये कर्व से मतलब है, और इस इंटरवल में आपको डिफाइन करना है कि हमारा जो टेंजेंट है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व, यानी हमें जो वैल्यू निकालनी है टेंजेंट की, वो इस कर्व में जो कॉर्ड खींचा जाए उसके पैरेलल दिखाई दे, उसके पैरेलल हो। तो चलो हमको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, तो आपको पता है कि जो हमारा ये fx है, fx ये कितना है रूट में x माइनस 2, ये हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसलिए क्या होगा ये कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा, आप अगर इसको थोड़ा स्पैनिंग करोगे तो ये हमें पैराबोला भी मिल जाएगा, ये क्या हमारा पैराबोला है, तो पैराबोला भी हमारा क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन closed interval 2 to 3, यानी it is a continuous function closed interval in 2. दूसरा हमारा क्या है बेटा, it is derivable, it is derivable in on open interval 2 to 3. चल भाई अब क्या करेंगे, f dash x निकालते हैं, f dash x कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 अपान में 2 रूट में x माइनस 2 इनटू में 1, यानी 1 अपान में 2 रूट में x माइनस 2, कोई दिक्कत यहाँ पे, चल भाई अब अगला निकाल लेते हैं हम लोग। अब निकालते हैं बेटा fb, तो हम पहले निकालेंगे fa, fa कितना है, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 2, अगर मैं इसमें पुट अप करूंगा इस फंक्शन में, तो आपको पता है 0 माइनस में 2 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0, तो हम fb निकालेंगे, fb कितना आएगा हमारे पास 3, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस में 2 यानी रूट में 1 इज इक्वल टू 1, और हम निकाल लेंगे लेंथ b माइनस a कितना होगा बेटा यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब लैग्रेंज lmb थ्योरम, f dash c इज इक्वल टू fb माइनस में fa अपान में कितना होगा बेटा हमारे पास b माइनस a, यहां से f dash c निकाल लेते हैं, f dash c कितना होगा हमारे पास 1 अपान में 2 रूट में c माइनस 2, तो ये हमारा इक्वेशन 2 है 1 है, और ये कंबाइंड इक्वेशन में क्या मान रहा हूं बेटा 2 मान रहा हूं, इन सब की वैल्यू उठा के यहां पे पुट अप कर देते हैं, कितना होगा देखो 1 अपान में 2 रूट में c माइनस 2 इज इक्वल टू fb कितना है हमारे पास 1 माइनस में 0 अपान में कितना आया 1, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डालो ये आएगा 1/2 इक्वल टू रूट में c माइनस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू c माइनस 2, 2 को इधर लाओगे तो यहां से c की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 2 प्लस 1/4 is equal to 9/4, ये जो c आया है ना एक्चुअली में वो x है, यानी c ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा टेंजेंट लाई करता है, यानी वो पॉइंट कौन सा है x है वहां,
अगर c हमारा 9/4 है तो क्या ये वाली वैल्यू हमारी y के बराबर है? तो अब बताओ y कितना होगा हमारा? y देखो कितना होगा बेटा, y is equal to हम निकाल सकते हैं रूट में यही जो c की वैल्यू आई है इसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है ना, तो 9/4 यहां पे पुट अप कर देते हैं। अगर मैं यहां पे 9/4 पुट अप करूंगा बेटा तो माइनस में 2t कितना आएगा 1/2, रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2, यानी हमारा जो टेंजेंट पॉइंट है तो टेंजेंट पॉइंट है कितना आया 9/4, 1/2, यानी 1/4, 1/2 इज द पॉइंट ऑफ गिवन कर्व। ये जो हमारा पॉइंट है बेटा, दिस इज पॉइंट, ये 9/4, 1/2 जो पॉइंट है हमारा कर्व पे बेटा, ये क्या है, इससे अगर टेंजेंट पास होगी तो हमारा कॉर्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर हुआ? लिख लो। चलो एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ इसपे, ठीक है? अगला यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे, आप लिख लेंगे। कह रहा वेरीफाई द लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इंटरवल। आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये आपको वेरीफाई करना है कौन सा फंक्शन है बेटा हमारे पास, fx is equal to x minus 6 and x minus 9 किस इंटरवल में, on closed interval 3,5। भाई इनके बीच में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखोगे आप, ये भी एक पॉलीनोमियल फंक्शन है। जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, ये हमारा एक पॉलीनोमियल फंक्शन आएगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते होंगे इसका, मैं एक कर देता हूँ बाकी आप कर लेना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ये -6 -3 तो हमारे पास कितना आएगा x-18x² + 99 की वैल्यू आएगी। तो देखो ये हमारा क्या है, अगर ये पॉलीनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा एंड डेरिवेबल होगा। और दूसरा क्या होगा, ठीक है देखो यहां पे पहला वही पॉइंट लिखो, fx is continuous on closed interval 3,5। अगर continuous है closed interval पे तो fx is derivable on open interval 3,5। बाकी आप समझदार हुई, अगर समझदार हो तो भाई f'x निकालो कितना मिलेगा, 3x² - 36x और +99x। इसके बीच में एक वैल्यू c एग्जिस्ट करेगी इस वाले ओपन इंटरवल के बीच में, यहां से निकाल लेते हैं f'c निकालेंगे 3c²
माइनस में 36x और प्लस में 99। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये x नहीं c है, ठीक। फिर वही काम करेंगे हम जो करते आ रहे हैं। देखो इसको प्रैक्टिस लाओगे तभी आपका होगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा कुछ बच्चों को ये भी नहीं, ये भी समझ में आ रहा है कि सर आप इसको यूज क्यों कर रहे हैं। बेटा हम किसी कर्व पे टेंजेंट निकाले, टेंजेंट इन द सेंस से हमारा कोई भी कर्व हो, ये कर्व हो, ये कर्व हो सर्कल का, ये कर्व हो, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट खींच रहे हैं ना ये वाली लाइन, इसी का पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं या फिर इस टेंजेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जो हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से निकालते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर दिया हो, किसी भी कर्व का अगर दिया हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे अब निकालते हैं हम लोग एफ पी। एफ पी कितना है, एफ ए के लिए निकालते हैं बेटा। एफ ए कितना है हमारे पास, ए, तो ये मिल जाएगा एफ थ्री। एफ थ्री वैल्यू डाल दो, अब देखो ये लंबा होगा तो जब एफ थ्री इसमें, देखो यहाँ पे अगर आप एफ थ्री यहाँ पे डालोगे तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है जीरो आएगी पूरी वैल्यू, क्योंकि थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा जीरो। यहां से एफ बी निकाल लो, अगर आप एफ बी की वैल्यू करते हो एफ फाइव, एफ फाइव का मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना होगा बेटा 2, इंटू 5 माइनस में 6 कितना होगा माइनस में 1, इंटू 5 माइनस में 9 कितना होगा माइनस में 4, तो आप होगे 4 टू जाए यानी प्लस 8 आ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अगर ये वैल्यू हमें मिल गई तो हम b माइनस a निकाल लेते हैं, तो b माइनस a कितना आएगा 5 माइनस 3 यानी 2, कोई दिक्कत। चलो अब निकालते हैं बेटा क्या, f डैश c कितना होता है, एफ बी माइनस में एफ ए अपान में बी माइनस ए, डाउट नहीं ना। चल भाई एफ डैश सी कितना निकला बेटा, 3 सी स्क्वायर माइनस में 36 सी प्लस में 99 इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए कितना है 8 माइनस जीरो अपान में बी माइनस ए कितना बेटा हमारे पास 2, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, हमें मिल गया 3c स्क्वायर माइनस में 36x प्लस में 99 और ये 4। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकाल लें, वैल्यू निकाल लें किसकी बेटा, c की, किसकी निकालनी है c की। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इरेज करूंगा। अब आप लोग डिस्क्रिमिनेंट रूल पढ़ाओ कि जब फैक्टराइजेशन ना हो क्वाड्रेटिक फंक्शन का तो हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट रूल के थ्रू निकालते हैं। अब देखो कितना आएगा, ये 3c स्क्वायर माइनस में 36x प्लस में 95 इज इक्वल टू 0, ये 4 को मैंने क्या किया इधर ट्रांसफर कर दिया। चल भाई ये 3 से तो कटेगा नहीं आपका, क्योंकि तो ये आपका क्या है 95, 3 से नहीं कटेगा, और इसका फैक्टराइजेशन भी थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि तो आप इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहां पे 95 into 3 करोगे और 19 into 3 करोगे 3, तो ये 95 into 15 जो 34 आ रहा है, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो c इज इक्वल टू करेंगे माइनस बी, माइनस बी क्या है मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, मैं इससे लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू कितनी निकालते हो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a, बेटा इसी का मैं यूज कर रहा हूं। अब यहां पे x की जगह पे c है, लिख लेते हैं तो c इक्वल टू होगा प्लस में 36 प्लस माइनस रूट में b की वैल्यू कितनी है 36 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a, a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है बेटा 95, अपान में कितना मिलेगा आपको 2a, 2 into 3, ठीक है। चल भाई इसको कर लेते हैं, 36 प्लस माइनस रूट में कितना मिल जाएगा ये 1296 होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1140 आएगा और अपान में कितना आएगा हमारे पास 6, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 36 रूट में ये आ जाएगा हमारे पास 6 94 यानी 5 और 2 में से 1 कितना 156 अपान में
सिक्स आ जाएगा, 156 अपान में 6, कोई दिक्कत यहाँ पे। और अगर 156 का रूट निकालेंगे तो नियर अबाउट हमारा 12 के करीब जाएगा। किससे करीब जाएगा बेटा? 12 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारा 12 पॉइंट समथिंग जाएगा, वो वैल्यू हमारी कितनी होगी 0.49 और अपान में 6। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये निकालना जरूरी है? बेटा कुछ नहीं, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तीन चीजें आप निकाल भी सकते हो, फिर यहीं पे लिख के छोड़ भी सकते हो, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि तो आपको पता है 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, 48 अपान में 6 करेगा, 6 8 48, यानी ये प्लस वाला इसमें लाई करने वाला नहीं। देख लो 3 और 5 के बीच में क्या 8 लाई कर रहा है? नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्या लाई करेगा आपका? सेकंड वाला लाई करेगा। 36 माइनस 12 करोगे कितना आएगा? देखो 36 माइनस 12 करोगे तुम्हारे पास 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 यानी कितना हो जाएगा 4 क्या इसके बीच में लाई कर रहा है? तो दैट्स व्हाई यहां पे लिख सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, c इज इक्वल टू, अगर उसको करेंगे तो एक बार आएगा 48.49 अपान में 6 और दूसरी जो वैल्यू आएगी 23.51 अपान में 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.08 के करीब आएगी, 8.08, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारी आएगी 3.92। अब देखो इन दोनों में कौन सी वैल्यू लाइक कर रही है, 3.92 लाइक कर रही है, तुम्हारा लैग्रेंजियन वैल्यू थ्योरम क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, हाँ ये भी हमारा क्या है, पॉइंट है, ठीक। तो ये वैल्यू सॉल्व हो गई, यानी ये वैल्यू हमारी क्या होगी, लाई करेगी, यानी c इज इक्वल टू 3.92 बिलोंग्स टू 3.5 इसके बीच में लाई करेगी। डन, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, चलो अगला। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये था हमारा बेटा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जो मैंने आपको सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको डेरिवेबल के इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे डेरिवेटिव के मैंने कुछ क्वेश्चन अभी आपको छोड़ रखे हुए हैं, तो आज आपका डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो गया है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। और जैसे आपको मैंने डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव नहीं सिखाया था, एफ एक्स इक्वल टू, इससे आपके पास क्वेश्चन दे रखा हुआ है एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी एंड ए सी, कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव ए बी एंड ए सी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस में बी सी, तीसरा हमारा क्या है बेटा ए सी बी सी और एक्स प्लस में सी स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स, देखो भाई आपको प्रूफ करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। चल भाई अब बात आती है सर करेंगे कैसे, बेटा इसमें ये करना होता है कि पहले रो को करो, फिर cos सेकंड रो को करो और फिर थर्ड रो को करके प्लस का साइन लगा देना। देखो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, यहां से पहले अगर इसको करोगे आप तो यहां पे मिलेगा 1 0 0, बाकी सब एज इट इज है ना, आसान, बाकी सब आपका एज इट इज। पहला रो हो गया,
दूसरा रो करो, दूसरा रो करोगे ये जीरो ये जीरो, यानी जीरो वन और जीरो और बाकी सब एज इट इज, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी लिखेंगे एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी और प्लस में ए सी, ठीक है भाई बोलो तो सही, मैं बोलता हूं कि बोलो तो आप लोग बोला करो यस सर, मन में ही बोलो पर बोलो, प्लस लास्ट करेंगे बेटा तुम्हारा कितना मिलेगा एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर कितना होगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, तो जीरो जीरो और अब भाई इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, और सॉल्व करके हमें जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है वो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो कितना आएगा एफ डैश एक्स, ये तो जीरो हो जाएंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो इनका इनके साथ माइनस में दिस, क्या लिख सकते हैं x प्लस बी स्क्वायर और x प्लस सी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस, इसको करो यही सेकेंड रो लो मैंने बताया था आपको, तो ये कितना होता है बेटा प्लस माइनस और प्लस, यानी माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये रो जाएगा ये कॉलम जाएगा, अब लिखेंगे यहाँ पे दिस बाकी सब भी रो जाएंगे, ये कॉलम को हटाओ और ये रो को हटाओ, जिनका मल्टीप्लाई करो ये मिल जाएगा आपको x प्लस ए स्क्वायर और x प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो तीसरा बेटा प्लस इसको करेंगे ये कॉलम ये रो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा x प्लस ए स्क्वायर और x प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये डायगोनली मल्टीप्लाई करना होता है इसको डायगोनल, चलो इसको सॉल्व करते हैं वहां देखते रहना क्या प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करेंगे अब तो भाई ब्रैकेट तो ओपन करना ही करना आपको, अगर ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला, तो पहला करो कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट, वही काम इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ये कट जाएगा आपका, देखते रहो अच्छे से प्लस कोई सोना नहीं भाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे कर लें फिर क्वेश्चन में हमें थ्री एक्स स्क्वायर लाना है बेटा, देखें यहाँ पे एक ये दो और ये तीन, यानी हमारा थ्री एक्स स्क्वायर तो मिल गया, इसको हम कंबाइन कर लेंगे थ्री एक्स स्क्वायर, वहां पे क्या लाना है टू एक्स लाना है, टू एक्स लाना है ना कि थ्री एक्स, ठीक है टू एक्स लाना है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर है और कहीं होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं टू एक्स सी स्क्वायर इसी तरह टू एक्स बी स्क्वायर इसी तरह टू एक्स ए स्क्वायर मिलेगा, देख लो एक सी स्क्वायर यहाँ पे एक सी स्क्वायर यहाँ पे एक बी स्क्वायर यहाँ पे एक बी स्क्वायर यहाँ पे एक आपका ए स्क्वायर यहाँ पे और ए स्क्वायर यहाँ पे, अब इन सब में क्या करो टू कॉमन कर दो, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, दैट्स व्हाई यही हमारा प्रूफ कर रहा था, बोलो आया कि नहीं है आप लोगों को, मिटा दो, ये था डेरिवेटिव का आपका डिटरमिनेंट का, तो आपके शायद मिसलेनियस में आपको जब आप सॉल्व करोगे डेरिवेटिव का तो आपको मिसलेनियस में मिल जाएगा, यू कैन सॉल्व इट, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अब आपको हम इसके बाद पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आज आपकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको दिया है y equal to e की पावर sin inverse x और आपको करना है सो सो करना है 1 minus x square y2 माइनस में x y1 और माइनस में m square y is equal to 0, आपको ये क्या करना है
प्रूफ करना है। सब लोग मेरे साथ करोगे, कोई बैठ किसको देखेगा नहीं। चलो यहाँ पे y2 चाहिए, y1 चाहिए और हमें y चाहिए, तो हम पहले निकाल लेते हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ dy by dx। इसका करेंगे तो e की पावर m साइन इनवर्स x तो होगा इनटू, क्योंकि इसको मैंने x लेट किया था, जब इसका करेंगे तो हमें मिलेगा m इनटू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। नो डाउट नहीं। चल भाई हमें dy by dx मिल गया, कहीं पे रूट तो है नहीं, तो ये बेचारा यहाँ पे क्या कर रहा है, हटाओ इसको इधर फंडा करो भाई, ये कितना होगा 1 माइनस में x स्क्वायर dy by dx is equal to m into में m sin inverse x। कोई दिक्कत क्या बेटा, इस सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं क्या भाई, बात तो वही है। चल कर लेते हैं, कितना जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx is equal to m e की पावर, ये पूरी वैल्यू हमारी y है, तो हम यहाँ पे y। अब क्या करेंगे भाई, कहीं पे स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड भाई, लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड of above equation, of above equation करेंगे कितना मिलेगा बेटा 1 minus x square dy by dx whole to the power this is equal to m square and y square। क्लियर, चलो यहाँ पे करेंगे। अब इसका कर लेते हैं एक बार फिर डेरिवेटिव, जब इसका करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे बेटा प्रोडक्ट रूल, कितना आएगा फर्स्ट का करोगे तो माइनस में 2x और dy by dx की होल टू द पावर 2 प्लस इसको एडिटिव रखना है तो 1 माइनस में x स्क्वायर इनटू में इसका करेंगे तो आपका मिलेगा 2 dy by dx इनटू में d2y by dx equal to m square करें कितना मिलेगा बेटा m square into 2y dy by dx। मैंने कहा जब भी आप y का derivative करोगे x के respect में तो आपको dy by dx चिपकाना है, ठीक है। पूरे equation में 2 dy by dx हमें लगता है common है भाई, common है लगता नहीं है, तो common करके कैंसिल आउट कर दे, तो यहाँ पे कितना बचेगा x dy by dx प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा 1 minus x square d2y by dx2 equal to m square dy by ये तो dy by dx गया, तो यहाँ पे कितना बचा बेटा m square y। अब इसी को सीक्वेंस में लिख लो आगे आपके आंसर, ये कितना होगा हमारे पास y2 minus में x y1 और माइनस में m square y is equal to 0। देखो मैंने ये प्रूफ कर दिया, यही आपको लाना था, लिख लो कोई दिक्कत। हो गया बेटा, चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग डेरिवेटिव के, आज थोड़ा मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करेंगे जितना भी आपका होगा, मिटा दो इसको। चलो अब दे रखा हुआ एक इफ, एक क्वेश्चन ये भी है कि इफ इफ एक्स माइनस ए स्क्वायर ए टू द पावर दिस प्लस में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का कहीं होगा, आपको दे रखा हुआ है फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो, फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो
आपको प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है आपको, 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 अपॉन डिवाइडेड बाय अपॉन नहीं बोलिए डिवाइडेड बाय dy by dx2 is constant ठीक है, कोई दिक्कत, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आपको क्या प्रूफ करना है, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ये वर्ड अच्छा है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद ए और बी यहां पे नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्वेश्चन हमारा गलत है, अगर नहीं है सही है। चल भाई अब जो जो यहाँ पे कहा गया है वही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉलो कर लेंगे, निकाल लेंगे। पहले तो आपको निकालना है dy by dx, इसका dy by dx निकालो कितना मिलेगा, dy by dx is equal to 2x minus a into x minus a का करेगा तो 1 minus 0 plus इसका डेरिवेटिव करेगा बेटा आप करोगे तो 2y minus b into y का करेगा तो dy by dx और c इसका कितना हो जाएगा 0 ठीक है, c इसका कितना हो जाएगा हमारा 0, यहां से 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर दो तो आप कहोगे सर x प्लस में y minus b dy by dx is equal to 0 तो यहां से हमें मिल जाएगा dy by dx equal to minus में x अपान में y minus b, क्लियर। अगर हमें x अपान में minus में y अपान में b मिल गया तो हमें d2y by dx2 भी चाहिए, चाहिए ना, यहां पे लिया हुआ है, किसी का एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसका जब d2y by dx2 निकालोगे तो मैंने आपको कोस्टेंट रूल बता रखा, कोस्टेंट रूल तो फर्स्ट का ये माइनस पहले बाहर कर लो, हटाओ इसको, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड एज इट इज, ठीक है ये माइनस है, फिर माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव करेगा बेटा तो ये आ जाएगा dy by dx माइनस में 0 और नीचे क्या मिलेगा हमें y माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं ना, देखो पहले आप लोग चलो दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये माइनस हमारा क्या है बाहर है, ये माइनस क्या है बेटा बाहर है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से समझना इस बात को, इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं ठीक है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, इसको हटाओ तो यहां से d2y by dx2 कितना निकलेगा बेटा, d2y by dx2 is equal to कितना निकलेगा, देखो dy by dx की वैल्यू डाल यहां पे पुट अप कर दो, अगर ये यहां पे पुट अप करते हो तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां से तो हमें मिल जाएगा y minus b minus में ये x है ये माइनस हो जाएगा यानी प्लस x अपान में y माइनस b का होल स्क्वायर, अपान में कितना होगा बेटा y माइनस b टू दी पावर दिस, और दूसरी बात एक बात और समझो कि आपने क्वेश्चन को तो लगा दिया यहाँ पे 2x माइनस a है, ये कितना है 2x माइनस a है तो यहाँ पे x माइनस a बचेगा, ये गलत हो गया था मेरे से, ये x माइनस a ठीक है ना, x माइनस a का करेगा दिस तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा x माइनस a लिखा जाएगा, और जब x माइनस a लिखा जाएगा तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा x माइनस a, कोई दिक्कत, और यहाँ से भी x माइनस a की वैल्यू पुट अप करोगे तो ये बेटा हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि dy by dx वैल्यू कितनी है x माइनस
एक्स माइनस ए अपान में वाई माइनस बी, ये माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, हो गया क्लियर। अब देखो इसका हम निकाल लेते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपान में, ये वाई बाई नीचे आएगा तो वाई माइनस बी टू दी पावर थ्री, ये इक्वेशन ऑफ सेकंड। अब हमें जो निकालना था वो लिखते हैं, हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक बार बताओ यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, यही तो होगा, तो आप कहोगे सर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कर दो और वाई माइनस बी का भी होल स्क्वायर कर दो। चल भाई कर दिया मैंने। अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको प्रूफ करना है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर टू होल टू दी पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी इसी की वैल्यू निकालनी है। अब भाई मैंने सब तो निकाल लिया है, यहाँ पे पुट अप करेंगे। चल यहाँ पे देखो डालोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये हमारा आ जाएगा वन प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये थ्री टू पावर दिस, और अपान में कितना आएगा बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया मैंने यहाँ पे, ये पूरा किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपान में वाई माइनस बी टू दी पावर थ्री, ये वाला सी के बराबर है ना पूरा, ये वाला क्वेश्चन में देखना आपको दिया होगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसके एलसीएम लेंगे कितना आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर अपान में यानी डिवाइडेड बाय दिस टू द पावर 3 बाय 2 और नीचे हमारा आ जाएगा बेटा c स्क्वायर अपान में y माइनस बी टू द पावर 3, क्लियर। अब उसी को सॉल्व कर दो, जो वैल्यू आएगी हमें वही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो वैल्यू मिली हुई है फिर हमारा सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा हमें सी स्क्वायर अपान में वाई माइनस बी टू दी पावर टू होल टू दी पावर थ्री बाई टू और नीचे हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर अपान में वाई माइनस बी टू दी पावर थ्री। अब देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो आपको पता है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो होल टू दी पावर टू इंटू थ्री बाई टू, कट गया हमारा, नीचे क्या मिला हमें सी स्क्वायर अपान में वाई माइनस बी टू दी पावर थ्री, ये हमें मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये मिल जाएगा हमें सी क्यूब अपान में सी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी टू दी पावर थ्री और वाई माइनस बी टू दी पावर थ्री, ये देखो इससे कटा ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया तो आपको c आ गया। तो एक प्रूफ करना था कि जो वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो और करवाते हैं आप लोग को क्वेश्चन आज। चलो एक क्वेश्चन देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एक इनवर्स का ही बता रहा हूं आपको,
टू दी पावर एक्स प्लस वन अपान में वन प्लस फोर की पावर एक्स। देखो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप क्या करो कि यहाँ पे किसी भी तरह करके ना साइन का फंक्शन लाओ। अगर आप यहाँ पे साइन का फंक्शन ला दिए तो ये साइन से साइन कट जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें इसको बेसिक मेथड से करना है, वन अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा वहां से आपका ना लेंथी भी होगा और टाइम भी कंज्यूम होगा और निकलेगा भी नहीं ढंग का, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स को हमें साइन थीटा में लाना है, तो आपको पता है मैंने एक फार्मूला आपको बता रखा है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है हाँ। तो जब भी साइन दिख जाए और यहाँ पे टेन लाने की कोशिश करो आप, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 इंटू में 2 की पावर एक्स, कोई बहुत बड़ा तो काम तो कर नहीं दिया मैंने, ऐसे लिख दिया 1 प्लस यहाँ पे लिख दिया बेटा 2 की पावर 2 की पावर x टू दी पावर 2, ये लिख दिया, बात वही हुई ना 2 की पावर x की पावर 2। अब भाई इतने बच्चे कंफ्यूज होंगे 4 की पावर x है तो क्या बेटा इसको 2 की पावर 2x नहीं कर सकते क्या, ऐसे नहीं लिख सकते, बोलो नहीं ना। चल भाई जब यहां तक बात आई गई है तो हम कर ही लेते हैं, यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट 2 दी पावर x इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लिया, एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू टेन थीटा और यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड आउट। चल भाई ये कितना मिलेगा हमें, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा, किसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, देखो ये कैसे लाओ, यहाँ पे कितना मिला हमारे पास 2 थीटा। अब बात आती है यहाँ से थीटा की, ना निकालना, तो थीटा कितना हो जाएगा 2, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब y इज इक्वल टू चल रहा है हमारा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 2 इनटू में थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 2 द पावर x। अब इसका हम निकाल लेंगे डेरिवेटिव, इसका क्या निकालेंगे डेरिवेटिव, तो कितना आएगा dy by dx is equal to 2 into में tan inverse का डेरिवेटिव होता है 1 upon में 1 plus x square, तो क्या इसको लिख सकते हैं 4 की पावर x by 2 the power x है, 2 the power x का जो डेरिवेटिव होता है 2 the power x log में 2, तो हमारा यही क्या है इसका एक्चुअल में डेरिवेटिव है y equal to sin inverse this is equal to this, बोलो क्लियर हुआ। तो ये आपका एक क्वेश्चन और था जो मैंने करवाया, एक मैं और करवाता हूँ आपको इसी के बेस पे, हो गया बेटा एक क्वेश्चन और देखो आप। चलो आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट टेन इनवर्स tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x विद रिस्पेक्ट टू, अब x नहीं करना है
आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा टेन इनवर्स दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें अपने मन से लिख करके वैल्यू निकालनी है, फिर दूसरे की वैल्यू निकालना। चलो तो पहले हम y इज इक्वल टू इसको लेट कर लेंगे tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x, और जिसके रेस्पेक्ट में लेट करना उसको z लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो। ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं बनाया था, वही है बेटा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे cos इनवर्स है, तो इस tan इनवर्स को हमें क्या करना है, कट आउट करना है यानी हटाना है। अगर इस tan इनवर्स को आप कटना चाहते हो तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो बेटा tan इनवर्स, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, चलो लिख लो, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा ही पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर रहे हो तो यहाँ भी पुट करो, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो z कितना आएगा आपका cos इनवर्स, देखो कितना आएगा हमारा बेटा 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे करेंगे कितना आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा tan इनवर्स, ये देखो cos हो जाएगा, तो cos थीटा अपान में साइन थीटा, और ये यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला बना, तो z इक्वल टू कितना मिलेगा हमें cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आप लोग यहां से कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको tan इनवर्स cot थीटा। अब जब तक यहाँ tan आए तो रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे भी tan आए तब तक कटेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, करेंगे क्या कि इस cot को tan में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस में थीटा, कोई दिक्कत, वही काम वहां कर लो, z इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पे लिख लो cos पाई बाय 2 माइनस में 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ tan से tan कटा, यहाँ पे cos इनवर्स से cos इनवर्स क्या आपका, तो यहाँ से dy बाय dx जब निकालोगे बेटा तो पाई बाय 2 जीरो, और थीटा हमने क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स यानी sin थीटा, यानी यहाँ पे निकालेंगे तो इधर आएगा sin इनवर्स x, तो माइनस में 1 अपान में रूट में 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी आप x के रिस्पेक्ट थीटा है ना ये, तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली दिस dy by dx, ठीक है। चल भाई अगर मैं यहाँ ये थीटा है ना, सॉरी गलती होगी मेरे से, अगर यहाँ पे मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा ये हमारा आएगा 0 और ये आएगा माइनस 1, और यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा यहाँ पे आएगा 0 और माइनस में 2। अब देखो हमें चाहिए dy by dx नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसको इसके रेस्पेक्ट में चाहिए, तो जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए वो चीज नीचे होती है हमारी डिनोमिनेटर में, इन दोनों को डिवाइड करो कितना मिलेगा dy by dz इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा माइनस 1, dy by dθ की वैल्यू माइनस 1 है, यानी माइनस 1 अपान में 2, तो यही हमारा क्या हो गया dy by dz इक्वल टू माइनस 1 by 2, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में। एनी डाउट, बोलो नहीं ना,
चाहते हैं चाय, ठीक है, चाय तो अभी आने वाली है।